हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपकी ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ दिनों से कुछ शूट नहीं किया, ऐसे ही बस मन नहीं कर रहा था एंड सेटल डाउन हो रहे थे छुट्टी के बाद एंड छुट्टी ब्लूज हो रहे थे हमको। बट एनी वे, टुडे इज़ अ ब्राइट न्यू मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटिफुल रेनी डे, सुंदर वेदर है बाहर, माई फेवरेट वेदर, क्लाउडी एकदम। और आज इवाना की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे काली दाल खानी है, तो मैंने काली दाल की तैयारी की। मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी काली दाल की रेसिपी कैसे बनाती हूँ। सो मैंने सब तैयारी कर ली है, आई विल शो यू। सो मैंने काली दाल चढ़ा दी है, दिस हैज़ राजमा एंड काली दाल, मैंने कल रात को भी हुई थी। एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू आर सपोज्ड टू वॉश इट एट लीस्ट अ गुड 7-8 टाइम्स हर 2-3 घंटे में। सो आप देख रहे हैं ये जो वाइट्स कम आ रहा है, ऐसा मैं कम से कम नहीं तो और 15 बार निकाल चुकी हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू बी रिमूविंग दिस। ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ देर तक आपको इसे बॉईल करना पड़ेगा जब तक ये पूरा स्कम निकल नहीं जाए इस दाल का। और ये स्कम निकालने के बाद मैं इसमें नमक हल्दी डाल के आई गिव इट एटलीस्ट अबाउट 7-8 विसल्स। सो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। अब मैं इसमें नमक हल्दी डाल के इस अबाउट 7-8 विसल्स पर। सो लाइक आई टोल्ड यू, हम कोई भी दाल बनाते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दाल को आप 15-20 मिनट तक कुकर में ना, मतलब कुकर में डाल के लेकिन ढक्कन ना बंद करें, सिर्फ गैस पर उसे बॉईल होने दें, क्योंकि ऊपर जो वो वाइट वाइट आप झाग देखते हैं ना, वो स्कम निकालना हर दाल से बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जितना भी आप दाल को धो लो, लेकिन वो थोड़े से इम्प्योरिटीज़, थोड़ा सा पेस्टिसाइड, थोड़ा सा जो भी केमिकल्स होता है वो रह जाता है एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ आर वर्ल्ड। आप जो भी ले लो, भले ही मैं ऑर्गेनिक लेके आऊँ, लेकिन वो स्कम निकलता ही निकलता है। सो इसलिए मैं हर दाल को, जो भी दाल बना रही हूँ, उससे पहले मैं 10-15 मिनट बॉईल ही करती हूँ ताकि वो सारा स्कम मैं निकाल सकूँ उसमें से, और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इतने बड़े 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली एंड नाउ अराउंड 2 बिग स्पून्स अभी के लिए मैं इसमें नमक डाल दूंगी। आई एम जस्ट गोना गिव इट अ मिक्स, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आई थिंक मेरा कुकर थोड़ा छोटा होने वाला है, बड़ा आई कांट रियली हेल्प दैट बिकॉज यहाँ पर मेरे पास है नहीं और बड़ा कुकर, बट आई विल सी। और हाँ, अब क्योंकि मैंने इतना ऊपर तक भर दिया है, इसमें आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। कुकर हो गया फाइनली बंद। तो मैंने ना कुछ 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 काट के रखा है जो मुझे दाल के लिए लगेगा, और उसके साथ मैं बना रही हूँ गोभी आलू एंड चावल। सो गोभी आलू काट के मैंने, गोभी और आलू दोनों को आज थोड़ा सा बॉईल कर लिया, बिकॉज आई जस्ट फील आई एम मोर कम्फर्टेबल बॉइलिंग द गोभी बिफोर आई मेक इट। कुछ कीड़े, कुछ भी हो उसके अंदर, एवरीथिंग इज़ गॉन, सो इट्स एब्सोल्युटली क्लीन माई गोभी नाउ। एंड गोभी में मैं सिर्फ सूखे मसाले डालूंगी, एंड लिटिल बिट ऑफ अदरक, हरी मिर्ची एंड हरा धनिया। दाल के लिए मैंने काटा है 1 इतना बड़ा प्याज, यू डोंट नीड लॉट्स। लहसुन के अबाउट 12 कलीज को मैं कूटूंगी। अदरक काटी है मैंने इतना बड़ा टुकड़ा फॉर द दाल। 3-4 हरी मिर्ची एंड लॉट्स ऑफ हरा धनिया। बहुत सिंपल होती है, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि बहुत प्यार मोहब्बत जाती है इस दाल के मेकिंग में। सो अभी मेरी दाल बॉयल हो रही है, अभी मैं गोभी आलू चढ़ाऊँगी, आई मेक दैट, फिर मैं चावल को सोक कर दूँगी एंड लास्ट में मैं दाल का छौंक लगाऊंगी। सो सरसों का तेल लिया है मैंने गोभी के लिए एंड इसमें मैं डालूंगी जीरा और हींग। जीरा, हींग, ये मेरी स्पेशल कानपुर वाली हींग है। सूखा धनिया, lots of it, इसको थोड़ा अच्छे से 2 मिनट के लिए भूनने दूंगी एंड देन फिर मैं नमक हल्दी डालूंगी। लाल मिर्च डाली है मैंने, हल्दी एंड नमक। मिनट अच्छे से मसाला भून कर मैं
ओ एंड मेरी दाल वो हो नहीं रही थी एक कुकर में, तो मुझे दो कुकर्स में चढ़ानी पड़ी। तो ये हो चुका है मेरा मसाला, जो बॉईल की हुई थी गोभी वो डाल दिया मैंने इसमें। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इतना सारा अदरक एंड अबाउट दैट मच हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया इसको, एंड आई शैल लेट इट कुक। माय गोभी इज ऑलमोस्ट रेडी, ऐसी शक्ल आई है उसकी निकल के। थोड़ा हल्का सा एक पॉइंटेड गरम मसाला डालूंगी, जस्ट मे बी लाइक क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून, एंड आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ आमचूर एट दिस पॉइंट। बस इसे ढककर बस और दो तीन मिनट कुक करूंगी। सो कुकिंग वुकिंग तो होती रहेगी, इट्स टाइम फॉर अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ केयर। मैंने अपने लिए बनाया है रोजमेरी वाटर बॉटल, बहुत सारा पढ़ा इंटरनेट पे, एंड रोजमेरी ऑयल तो मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ। सो इट्स वेरी गुड फॉर द हेयर, एंड आई एम नॉट ब्लेस्ड विद वेरी ग्रेट हेयर, मतलब मेरे हेयर स्कैंटी हैं, और मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं उन्हें अच्छा सा वेल मेंटेन्ड थिक, एंड आई टेक गुड केयर ऑफ इट, कंडीशनिंग शैम्पूज ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं अपने बाल में डालती हूँ, इंग्रेडिएंट्स जो मैं खाती हूँ लाइक आई ईट बायोटिन एंड ऑल योर ड्राई फ्रूट्स एंड जो भी बालों के लिए अच्छा होता है। फिर मैं स्पेशल एक ऑयल बना के रखती हूँ विच आई शो यू द रेसिपी फॉर एट सम पॉइंट। तो मैंने कल ये बनाया, मैंने वाटर लिया फिल्टर्ड वाटर, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून, मेरे पास फ्रेश रोजमेरी नहीं थी तो आई पुट इन ड्राइड रोजमेरी एंड 3 क्लोव्स डाला, एंड आई हैव लेट इट बॉइल, मतलब जो पानी आधा कंसिस्टेंसी का हो गया तो मैंने उसे ठंडा करके स्प्रे बॉटल में भर दिया, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्प्रे इट ऑल ओवर योर हेयर। एंड दैट्स इट, मैं यू कैन स्प्रे, और क्योंकि ये वाटर है तो यू कैन लीव इट जस्ट लाइक दैट, यू डोंट नीड टू वॉश इट ऑफ, तो इसको आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, एंड जस्ट मसाज योर हेयर थोड़ा 2 मिनट के लिए, एंड सिट। सो ये रहा मेरा रोजमेरी वाटर। रेनी सीजन तो आ गया लेकिन गर्मी है, ह्यूमिडिटी किचन में उतनी ही है। सो सब्जी बन गई, चावल चढ़ा दिया मैंने, अब मैं बना, दाल इज ऑल्सो बॉइल्ड नाइसली, अब मैं बना रही हूँ चाय पी के पीते दाल का तड़का। मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हींग बिकॉज इट एड्स इन डाइजेशन। एक इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी एंड बड़ी इलायची एंड लहसुन है मेरे पास कोसली कूटा हुआ लहसुन। 2 मिनट भून कर देन आई विल ऐड माई प्याज। लहसुन हो गया है अच्छे से लाल, सो आई एम जस्ट गोना पुट इन ऑल द अनियन। अनियन एक ही लेते हैं, इसमें अनियन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो वो टेस्ट एकदम हल्का सा कड़वा सा हो जाता है रियलाइज। तो मैं एक बहुत छोटा सा प्याज डालती हूँ इसमें, जब बड़े रेस्टोरेंट्स में आप काली दाल खाते हैं तो इट्स वेरी क्रीमी एंड इट्स गॉट अ वेरी स्मूथ बटरी टेक्सचर। आइदर आप बहुत सारा बटर और क्रीम और दूध डालकर उसे बना सकते हैं,
लेकिन मैं इतना रिच नहीं करती हूँ, मेरे पास एक हैक है उसे वो क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। मैं क्या करती हूँ, दाल बॉईल हो गई ना, मिक्सी में इतनी दाल ली, इसे पीस दूंगी एंड देन आई विल एड इट टू द दाल, तो वो एक वो मैश्ड और एक ब्यूटीफुल सा क्रीमी टेक्सचर आता है उससे। थोड़ा सा बटर और घी ऐड करूंगी, लेकिन उतना नहीं कि सिर्फ बटर और घी के दम पे मेरी दाल क्रीमी और वो बटरी कंसिस्टेंसी की हो। सो दैट्स माय हैक। प्याज मेरा भून गया है, एकदम काला नहीं करना है, बट उसका कच्चापन चला जाए तब तक। आई हैव कट अबाउट 3 टमाटोज, स्मॉल टमाटोज, तो आई एम पुटिंग दैट राइट नाउ। आप इसे प्यूरी भी कर सकते हैं, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, आई लाइक इट चॉप। अब ये तब तक भूनूंगी जब तक पूरे टमाटोज एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर इज ऑलमोस्ट बॉइल्ड। इस पॉइंट पे मैं इसमें इतनी कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी ऑप्शनल होती है, आपको अच्छी लगे आप डालिए, आपको अच्छी ना लगे आप नहीं डालिए, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। काला इज लुकिंग रेडी, तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर, दैट्स इट। लाल मिर्च थोड़ी सी और डालूंगी बिकॉज दाल काफी सारी है। दो मिनट इसे भून कर फिर मैं दाल डाल दूंगी इसमें। दाल डाल दी है मैंने इसमें। एट दिस पॉइंट ये सारा अदरक हरी मिर्ची जो काटा है, I'm gonna put in the हरा धनिया अदरक हरी मिर्च एंड एट दिस पॉइंट ये देखिए ये दाल ना मैंने थोड़ी सी लेके अबाउट हाफ अ कप मैंने ये पीस ली थी। अच्छा मेरे घर में जब काली दाल बनती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग दैट बहुत ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि माय ब्रदर इन लॉ विकी ही लव्स इट, तो मैं उसे एक बड़ा डब्बा भेजूंगी एंड एक और मेरी फ्रेंड है उसे भी बहुत अच्छी लगती है, सो आई एम गोइंग टू सेंड हर ऑल्सो अ डब्बा ऑफ काली दाल एंड यहाँ पर भी मैं थोड़ी स्टोर करके रख दूँगी फ्रीजर में ताकि हम दो तीन दिन बाद फिर से खा सकें बिकॉज उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो दाल को मैंने बॉईल करने रख दिया है। नाउ दिस दाल आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति आप उतना बॉईल कर सकते हैं। आई बॉईल इट फॉर अबाउट एन आवर ऑन अ लो फ्लेम और इसको बीच बीच में स्टर करती रहूँगी एंड जब तक एकदम दाल और ग्रेवी एकदम मिक्स नहीं हो जाती ना तब तक। सो आई शो यू व्हेन इट्स ऑलमोस्ट डन। तो दाल बन गई, क्योस हो गया बनाते बनाते उसको। एनीवे दाल जितना मैंने आपको बताया था बस उतना ही, ऊपर से खाली मैंने हरा धनिया डाला एंड आई लेट इट बॉइल फॉर ऑलमोस्ट 2 hours। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप क्रीम एंड बटर भी डाल सकते हैं, मैंने हल्का सा बटर डाला है अबाउट इतना बड़ा क्यूब एक एंड डिपेंड्स ऑन यू आप जितना रिच करना चाहते हैं घी बटर क्रीम आप जितना डालना चाहें आप डाल दिए, मैंने नहीं डाला बस वो थिक होते गई सिंपल मैंने उसे 2 घंटा पकाया एंड आई मेड अ लॉट ऑफ डब्बाज लाइक आई सेड। मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ को भेजना है, मुझे अपनी फ्रेंड को भेजना है, तो मैंने सब पैक करके रख दिया ना, उन्होंने सेंड इट टू देम एंड आज मेरी मेड आने वाली थी इतने दिनों से, शी इज़ बिन टेलिंग मी दैट शी इज़ कमिंग, फाइनली शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन एंड आई डोंट थिंक शी इज़ कमिंग बैक। तो सुबह बड़ा झटका लगा, तो नाउ दैट होल थिंग ऑफ फाइंडिंग अ न्यू गर्ल फिगरिंग आउट वॉट टू डू बिकॉज आई नीड हेल्प एट होम हैज़ इज़ गोइंग टू स्टार्ट अगेन। इट्स द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग इन माई लाइफ, इज़ द मोस्ट सिंगल मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग, सो I'm gonna start doing that again now. That's what it is. Hi, कैसे आप सब लोग? बड़ा beautiful सा rainy day है और एकदम suddenly plan बना हमारा अलीबाग जाने का। एक घंटे में pack करके हम निकल तो गए लेकिन ये बारिश देख कर डर से लग रहा है, पर वो पीछे हमारे bags हैं और एक और पैकेज है जो छुप रही है कहीं, तो हाँ वो रही एंड गॉट इज ड्राइविंग, सो वी लेफ्ट एंड आई शो टू द रेन्स। तो बारिश तो बहुत तेज है और प्लान यू है कि एक आइकिया स्टोर है वाशी में, तो हमने सोचा कि पहले आइकिया जाते हैं
2 घंटे वहाँ पे हमें कुछ सामान देखना था। एक्चुअली हमारा यही प्लान था कि आज हम आइकिया ही जाने वाले थे, तो अलीबाग का प्लान बन गया तो वो प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। सो वी डिसाइडेड नॉट टू कैंसिल इट, वी डिसाइडेड दैट वी विल गो टू आइकिया फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड फिर वहाँ से निकल के हम अलीबाग जाएंगे। सो वी आर गोइंग विद दीवाना और उसकी एक स्कूल फ्रेंड है और उसके फादर और ब्रदर है। सो वो लोग रोरो फेरी से जाएंगे। हमने भी सोचा हम रोरो फेरी से जाते हैं, बट बहुत सारे इट्स अ ब्यूटिफुल ड्राइव एंड द वेदर इज रियली नाइस। सो एंड दीवाना फील्स अ लिटिल बिट सिक ऑन द बोट बिकॉज आई थिंक आज सी भी चौपी होगा बिकॉज बहुत बारिश है। तो हमने सोचा हम रोड से जाएंगे, वी विल ड्राइव टू अलीबाग। सो वी लेफ्ट एंड आई थिंक वी आर अबाउट वी आर जस्ट अबाउट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम आइकिया। सो आज पहली बार मैं इंडिया में आइकिया जाने वाली हूँ, आई एम क्वाइट एक्साइटेड। सो लेट्स सी, आई विल शो यू व्हाट आइकिया लुक्स लाइक। सो वी हैव कम इन द इलेक्ट्रिक कार एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी विद कार इन टर्म्स ऑफ कार्स is what this is. So here they have a charging port where you can charge your car, and I think it's the need of the hour and very impressive. Bas humne car ko charge pe lagaya hai, hum IKEA mein shopping karenge 2 ghante, and which is huge by the way. Oh my god, I'm amazed at the size of this place. So just bas gaadi ko bhi lock karke we're leaving and going inside. So hum log ne shopping kiya और आई थिंक अभी हमने शायद 1/4 ख़त्म किया है एंड वी कम टू दिस कैफेटेरिया एंड आई हैव हर्ड सम रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट इट। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू टेक अ ट्रॉली फ्रॉम हियर, पुट योर ट्रे ऑन इट एंड देन जस्ट कीप पिकिंग अप व्हाट यू वांट। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ईट समथिंग नाउ। शॉपिंग की थोड़ी थोड़ी, आइकिया से खाना खाया एंड 3 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। And obviously we'll come back. अभी तो एक बार खाली, वी जस्ट वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ सी स्टफ एंड रियली बाय अ लॉट। सो बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, 2 घंटे की ड्राइव है अलीबाग तक। मैं कह रही थी कि 2 घंटे की ड्राइव है, निकल रहे हैं अब। एंड व्हाट्स द टाइम? 4:45. सो आई थिंक बाय 6:30-6:45 डिपेंडिंग वी शॉल बी इन अलीबाग। इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी प्रिटी ड्राइव in the rains and the roads were also very nice. तो बस इसी तरह से अच्छा म्यूजिक सुनते सुनते हम तीनों करीबन 2 घंटे में अलीबाग पहुँच गए। होटल देखा, चेक किया, ट्रॉपिकाना बहुत साल 6-7 साल पहले इनफैक्ट हम आए हुए थे अलीबाग एंड वी हैड स्टेड देयर ओनली। तो हम देख रहे थे बहुत चेंज हो गया है अभी एंड इस वक्त हम आए हैं यहाँ पर डिनर के लिए, भी थोड़ा आज बाहर चलते हैं। सो देर आर सम वेरी नाइस प्लेसेस इन अलीबाग फॉर डिनर। सो वी कम टू दिस गोनो पिज्जा एरिया एंड बहुत हाईली रिकमेंडेड है ये जगह। सो वी कम हियर टू ईट पिज्जा एंड हम पास्ता एंड क्या जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पर, इट्स ब्यूटीफुल। एक्चुअली गुड आफ्टरनून, ड्राइव कर चुके हैं, लेट उठे सब लोग, मैं और बहुत जल्दी उठ गए थे। हम ड्राइव पर गए थे एंड कल तो बहुत मज़ा आया। कल हम बाहर डिनर के लिए गए थे, फिर रूम में आके इन लोगों ने क्रिकेट खेला, इट वाज सो मच फन एंड द गर्ल्स आर डूइंग देयर ओन थिंग। रेस्टोरेंट में आए बाहर खाने के लिए और ये सब बच्चे खाने की वेट कर रहे हैं और उन्होंने खेल रहे हैं एंड ठीक है इट्स रियली ओल्ड रेस्टोरेंट इन अलीबाग विच इज़ वेरी वेरी फेमस कॉल्ड सलमान एंड मेरा भी टर्न आ गया है, ये मेरे उनो के पत्ते हैं और सेकंड मेरा टर्न है एंड वी आर हैविंग लंच हियर। बस सुबह उठे बच्चे लोग लेट उठे, स्विमिंग की, थोड़ा क्रिकेट खेला सब ने, मैंने चिल किया, खाना खाएंगे एंड आई थिंक वापस जाके हम पूल में जाएंगे। तो उस दिन तो हमने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, फिर दूसरे दिन हम बाहर चले गए बीच पर, जो अलीबाग में बीच है हमारे होटल के पास, वहाँ चले गए बच्चों को घुमाने के लिए। खूब मज़ा किया बच्चों ने, ATV पर राइड किया, साइकिल वहाँ थी डबल साइकिल जिस पर उन्होंने
दे टुक राउंड्स ऑफ दैट एंड ऑब्वियसली विथ हेल्प, बट इतना मज़ा आया उन लोगों को. फिर पानी में गए, बच्चे गए पानी में, हम तो नहीं गए. गौतू तो बिल्कुल भी नहीं गए बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज ही डिडंट वॉन्ट टू गेट इन टू द वाटर, बट दे हैड सच अ नाइस टाइम. यू नो यही होती है चाइल्ड हुड मेमरीज आपकी बन रही हैं इवाना की, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी ब्यूटिफुल मेमरीज बनी इस ट्रिप पर एंड शी वॉज सो हैप्पी. एंड रिया एंड युवराज बच्चों ने इतना खेला, इवाना हैड सच अ गुड टाइम विद देम. यू नो कंपनी होती है तो कोई भी एक्सपीरियंस अच्छी कंपनी फ्रेंड्स के साथ और भी ब्यूटिफुल हो जाता है. एंड you know that's how Ivana had a lot of fun in the last weekend of her summer vacations, and we had a beautiful time. It was just lovely. It was so, I was so happy to see all the kids so happy and enjoying. तो इसी तरह से हमने खूब मज़ा किया. और दो तीन जगह गए थे हम खाना खाने के लिए. फिर होटल में भी उन्होंने बहुत मज़ा किया, क्रिकेट खेला बहुत सारा. एंड तीन दिन कहाँ निकल गए यू नो पता ही नहीं चला. इट वॉज सच अ लवली हॉलीडे. बहुत सारी प्यारी मेमोरीज बनाकर हम तीन दिन के बाद घर वापस आ गए. मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव आपकी.